सब्सक्राइब कीजिए रमन क्लासेस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। कैसे हैं आप लोग, रमन क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं झारखंड करंट अफेयर्स, जो कि 31 दिसंबर 2017 तक का आपका इसमें करंट अफेयर्स कवर किया हुआ है और जो कि आने वाले एग्जाम है उसमें आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका आ सकता है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए है आपका गिफ्ट मिल्क योजना। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने लातेहार के जिले में आपका खेल स्टेडियम से पूरे राज्य के लिए गिफ्ट मिल्क योजना की शुरुआत की। तो आपका क्या है गिफ्ट मिल्क योजना, चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए गिफ्ट मिल्क योजना के लिए NFM और RCL ये दो कंपनी है, इसके बीच आपका करार हुआ है ये दोनों कंपनियां। तो इसमें ये क्या करेगी, इस योजना के अंतर्गत आपके स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों को सरकार द्वारा प्रतिदिन 200-200 ग्राम फोर्टिफाइड दूध का पैकेट देगी। जो सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको, उनके लिए दूध देगी। उसके बाद पहले चरण में 10,000 बच्चों को दूध देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी जिम्मेवारी झारखंड मिल्क फेडरेशन को दी गई है। ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा, झारखंड मिल्क फेडरेशन को इसमें दी गई है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं रघुवर दास, उन्होंने कहा है कि झारखंड पूरे देश का पहला राज्य है जहां CCR काउंसिलिंग का गठन हुआ और अपनी एक्ट के तहत निजी कंपनी को 2% सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में खर्च करना होता है। चलिए हम लोग जानते हैं इसमें CCR काउंसिलिंग का एक टर्म आया है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं वो क्या है। चलिए देखिए 2015 में झारखंड कारपोरेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR, इसका फुल फॉर्म याद रखिए कारपोरेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसका काउंसिलिंग का एक गठन किया गया, जिसमें क्या किया गया कि निजी कंपनी एवं लोक उपक्रम द्वारा CSR के तहत अनेक कार्य किए जाते हैं, मतलब वो लोग सामाजिक उत्थान के लिए उसमें वो लोग कार्य करते हैं। तो इसमें जो है झारखंड जो है 5 निजी कंपनी और 5 लोक उपक्रमों को नामित किया है। तो आपका कौन कौन सा है निजी उपक्रम, देखिए टाटा स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, उषा मार्टिन लिमिटेड, हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रुंगटा माइंस लिमिटेड। और लोक उपक्रम जो है आपका CCL, NTPC, सेल, DVC एवं BSNL इसके सदस्य होंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, 10 कंपनियों का इसमें आपका चयन किया है झारखंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत। चलिए आगे है आपका कि नीति आयोग और बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप के साथ आपका त्रिपक्षीय एक इकरारनामा हुआ है, क्या किस क्षेत्र में हुआ है, चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए झारखंड सरकार को नीति आयोग एवं बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप के साथ एक त्रिपक्षीय इकरारनामा करने की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें कि कैबिनेट ने नीति आयोग, झारखंड सरकार और बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप के साथ आपका एक एग्रीमेंट हुआ है। वो जो एग्रीमेंट हुआ है आपका स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने में और उसके मूल्यांकन के लिए इसमें एग्रीमेंट हुआ है। तो इसमें है कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए नीति आयोग ने झारखंड सरकार को अपना एक पार्टनर चुना है, जिसके साथ ही झारखंड के साथ साथ मध्य प्रदेश, उड़ीसा भी इसके आयोग में, इसके कार्यक्रम में इसके शामिल हैं। तो ये आप याद रखिएगा, इसमें दो दो पॉइंट आपके बन रहे हैं, जिसमें कि आपका नीति आयोग जो है झारखंड सरकार को अपना पार्टनर चुना है, ये आपसे एक क्वेश्चन आ सकता है, और आपका ये दो जो हुआ है नीति आयोग और बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे आपका है कि झारखंड विधानसभा का जो बजट सत्र है वो 17 जनवरी से आपका ये होगा। अभी हाल ही में अभी ये डिसाइड किया गया है कि झारखंड सरकार वित्तीय वर्ष 2018-19 का बजट जो है 23 जनवरी को पेश करेगी, और इसका जो झारखंड विधानसभा का जो बजट सत्र होगा वो 17 जनवरी से शुरू होगा, जो कि आपका 7 फरवरी तक चलेगा। तो इस बार जो विधानसभा का जो बजट होगा वो 15 दिन का कार्य दिवस पे होगा, ठीक है, 17 जनवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। चलिए आगे है आपका कि राजरप्पा शक्तिपीठ को माँ वैष्णो देवी तीर्थ स्थल के तर्ज पे विकसित आपका किया जाएगा, चलिए इसके बारे में थोड़ा न्यूज जान लेते हैं। देखिए झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राजरप्पा शक्तिपीठ को माँ वैष्णो देवी तीर्थस्थल के तर्ज पे विकसित करने की बात कही है। झारखंड मंत्रालय ने राजरप्पा को विकसित करने के लिए एक योजना पेश करने वाली कंपनी, कौन सी कंपनी है, आईटेक, तो ये याद रखिएगा, आईटेक कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक की, उन्होंने ये बात कही है, और उसमें कही है कि राजरप्पा एक शक्तिपीठ है जहां पे देश दुनिया के श्रद्धालु आते हैं, हम श्रद्धालुओं को विश्व स्तर सुविधा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है, उन्होंने ये कहा है। तो ये आप याद रखिएगा, आईडेक कंपनियों के साथ बैठक हुई है आईडेक। चलिए आगे आपका है कि थर्ड ग्राउंड ब्रेकिंग शिरोमणि। देखिए मोमेंटम झारखंड के तहत बोकारो पुस्तकालय मैदान में आयोजित थर्ड ग्राउंड ब्रेकिंग शिरोमणि ने मुख्यमंत्री रघुवर दास ने
3475.14 करोड़ और 105 फैक्ट्रियों का शिलान्यास किया। ये इंपॉर्टेंट है, ये देखिए बोकारो में भी हुआ है आपका थर्ड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। चलिए इसमें आगे और भी है, कुछ जान लेते हैं। इसमें 17,778 लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड निवेशकों का तीसरा सबसे पसंदीदा राज्य है, गुजरात के बाद सबसे ज्यादा सकल घरेलू उत्पाद 10.6% झारखंड का है। और चौथी जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है वो संथाल परगना में आयोजित होगी, तो ये भी पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे है आपका, इटखोरी बनेगा विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए तीन धर्मों का संगम स्थल इटखोरी को 500 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इटखोरी के डाक बंगला में आयोजित इटखोरी पर्यटन विकास मास्टर प्लान का इसमें समीक्षा की उन्होंने, और मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस क्षेत्र का पूरा मास्टर प्लान तैयार किया गया है और इटखोरी में विश्व का सबसे ऊंचा 30 मीटर बोध पेयर व्हील का निर्माण किया जाएगा, जो कि अभी चीन के क्विनघाई में 26 मीटर ऊंचा पेयर व्हील है। तो साथ ही आपका भद्रकाली और बोध घाट में भी दो रिवर फ्रंट भी आपके बनाए जाएंगे। तो उन्होंने कहा है कि बोध गया, कालेश्वर और इटखोरी का एक सर्किट निर्माण भी किया जाएगा। तो ये सब चीजें आपका इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए। चलिए आगे आपका, ग्राम विकास समिति का होगा गठन। देखिए झारखंड सरकार बड़ा निर्णय लेने जा रही है जिसके तहत ग्राम विकास समिति का गठन किया जाएगा, जो अपने गांव की छोटी छोटी योजनाएं तैयार करेगी और झारखंड सरकार उन्हें छोटी छोटी योजनाओं के लिए राशि सीधे देगी। तो इस योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाएगी और योजनाओं को सही तरीके से लागू किया जाएगा। तो ये याद रखने योग्य है इसमें कि झारखंड विकास समिति का गठन आपका होने जा रहा है। चलिए आगे है आपका, राज्य में दिव्यांग ट्रस्ट का गठन होगा। देखिए राज्य सरकार दिव्यांगों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसके विकास के लिए राज्य में दिव्यांग ट्रस्ट आपका बनाया जाएगा। तो इसमें राज्य सरकार 2 करोड़ रुपये देगी। चलिए आगे है आपका, झारखंड में खुलेगा जापानी भाषा का पहला स्कूल। देखिए झारखंड में जापानी भाषा के स्कूलों के रोडमैप और राज्य के मानव संसाधन और कौशल का सही उपयोग कैसे हो, नई दिल्ली में स्थित कार्यालय में मुख्यमंत्री के सचिव श्री सुनील वर्णमाल ने जापान फाउंडेशन के अधिकारियों से इस संबंध में मुलाकात की है और मियामोटो ने भरोसा दिलाया है कि जापान फेडरेशन झारखंड सरकार को जापान भाषाओं के स्कूल खोलने में मदद करेगी। उन्होंने कहा है कि रांची यूनिवर्सिटी में झारखंड का पहला जापानी भाषा का स्कूल खुलेगा, जिससे यहाँ के छात्र छात्राओं को विदेशी भाषा की जानकारी मिल सके और उनके लिए रोजगार के रास्ते मजबूत हों। चलिए इसमें देखने योग्य बातें आपकी ये है कि रांची यूनिवर्सिटी में झारखंड का पहला जापानी भाषा का स्कूल खुलेगा। चलिए आगे है आपका, दिल्ली मुंबई और पुरी में बनेगा झारखंड भवन। तो देखिए इसमें क्या है कि झारखंड के मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने निर्देश दिया है कि जून 2019 तक दिल्ली में झारखंड भवन का तैयार हो जाए और झारखंड मंत्रालय ने मुख्यमंत्री के भवन निर्माण पर प्रोजेक्शन दिखाते हुए मुंबई और पुरी को दिसंबर 2019 तक झारखंड में अपना भवन बन जाएगा। तो देखिए जून 2019 में आपका दिल्ली में बन जाएगा और आपका दिसंबर 2019 तक आपका मुंबई और पुरी में बनेगा। चलिए आगे आपका है कि जमशेदपुर में 18 एकड़ में बनेगा महिला यूनिवर्सिटी। चलिए राज्य की पहली महिला यूनिवर्सिटी आपका ये है बनेगा, जिसमें इसको मंजूरी मिल गई है और जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर के करीब 18 एकड़ जमीन चयनित कर लिया गया है, जहां पर महिला यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा आपका कि महिला यूनिवर्सिटी आपका जमशेदपुर में बनाया जाएगा। चलिए आगे है आपका कि आरा जो है एक गांव है जो कि झारखंड राज्य का पहला नशा मुक्त आपका गांव बना। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। रांची के ओरमांझी प्रखंड का आरा गांव राज्य का पहला नशा मुक्त आदर्श गांव बना है। यहां के ग्रामीणों ने नशा मुक्ति का संकल्प लेते हुए हड़िया बनाने वाले बर्तनों को पूरे गांव में जमा किया और बेच दिया। गांव के लोगों को बीपीएल कहनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ग्रामीणों की इस पहल को सराहते हुए मुख्यमंत्री ने इस गांव को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। तो इस दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि आरा और कैरम गांव, देखिए दो गांव आपका है कि झारखंड का आदर्श ग्राम के रूप में अपनी पहचान बनाई है। तो आप दो गांव याद रखिएगा, आरा और कैरम गांव, ठीक है। तो इसी आधार पर आने वाले दिनों में झारखंड के 1000 गांवों को आदर्श ग्राम बनाया जाएगा, जो कि नशा मुक्त और खुले में शौच से मुक्त होंगे। हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को कर लेते हैं जिससे आपका प्रैक्टिस सही हो जाएगा। चलिए आगे है आपका, गिफ्ट मिल्क योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को सरकार कितना दूध देगी।
तो आपका 200-200 ग्राम फोर्टिफाइड दूध देगी। चलिए आगे आपका है कि झारखंड कॉरपोरेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंसिल कितनी निजी कंपनियों एवं लोक उपक्रमों को नामित किया है। तो आपका टोटल 10 है, जिसमें कि 5 निजी कंपनियां और 5 लोक उपक्रम, जो अभी आपको मैंने बताया। चलिए आगे आपका, किस स्थल को माँ वैष्णो देवी तीर्थ स्थल के तर्ज पे विकसित किया जाएगा? राजरप्पा शक्तिपीठ को। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका, किस स्थल को 500 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है? इटखोरी को। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका कि मोमेंटम झारखंड के तहत अभी जो हाल में ही थर्ड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित हुआ, वो कहाँ पे हुआ? तो आपका बोकारो पुस्तकालय मैदान में। चलिए आगे आपका, रांची के ओरमांझी प्रखंड का डैश गांव राज्य का पहला नशा मुक्त आदर्श गांव बना, कौन सा? वो आरा गांव। चलिए आगे है, कहाँ झारखंड का पहला जापानी भाषा का स्कूल खुलेगा? वो आपका रांची यूनिवर्सिटी में। चलिए ये थे पार्ट वन, इसका पार्ट टू हम जल्दी ही लेकर के आएंगे, आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और भी जितने भी करेंट अफेयर्स मैंने अपलोड किया हुआ है वो आप लोग देखिए जरूर, हम उसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दे देंगे।